नमस्कार, शुक्र प्रोडक्शन के लघु कथा साहित्य प्रतियोगिता 2023 के लिए मैं वैशाली गुप्ता आपके बीच लघु कथा लॉटरी लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसकी लेखिका है स्वाति ग्रोवर। दिवाकर को लॉटरी खेलने की आदत लग गई थी, जब तो वह लॉटरी के लिए घर से पैसे चुराने लगा। जितनी महंगी लॉटरी उतने ज़्यादा पैसे। शुरू में जब उसकी 100-500 रुपए की लॉटरी लगी थी, तभी वह उसे उसकी इस खेल से रुचि बढ़ गई थी। फिर एक दिन किस्मत से उसकी 10,000 की लॉटरी लग गई, तो उसे विश्वास हो गया कि यह लाखों भी जीत सकता है। उसके घर में माँ पिताजी को एक छोटी बहन और छोटी बहन है। पिताजी की प्राइवेट नौकरी और माँ ट्यूशन पढ़ाती है। बहन अभी स्कूल में है और वह कॉलेज के प्रथम वर्ष में है। बहन को पता चल चुका है कि भाई की संगति बिगड़ चुकी है, मगर वह अब भी चुप है, क्योंकि उसे लगता है कि वह सुधर जाएगा। मगर दिवाकर तो अपने लिए कुछ और ही सोचकर बैठा हुआ है। उसे इंतज़ार है अगले महीने की बम्पर लॉटरी का, जो कि 75 लाख रुपये की है। वो लग गई तो वह पढ़ाई छोड़ देगा और न्यूजीलैंड का वीज़ा लगवा कर देश से बाहर निकल जाएगा। फिर किसी गौरी से शादी करके वहीं सेटल हो जाएगा। मगर समस्या यह है कि 75 लाख की लॉटरी 20,000 रुपये की है। उसने जो पैसे जीते थे उन्हें वह अपने दोस्तों पर लुटा चुका है। अब उसके पास खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं है। दोस्तों ने भी इतनी बड़ी रकम सुनकर उससे मुंह फेर लिया। कोई उधार देने के लिए भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि पिछले कुछ महीने से वह हार ही रहा था, इसलिए अब वह भरोसा करने लायक नहीं रहा। बम्पर लॉटरी के लिए पैसे जमा करवाने में कुछ ही दिन रह गए थे। अब उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसकी समझ नहीं आ रहा कि वह कहां से पैसे लाए। एक दिन उसे अपने पापा को अलमारी में कुछ पैसे रखते हुए देखा और तभी उसका दिमाग गलत दिशा में दौड़ने लगा। अलमारी की चाबी पापा के पास ही रहती है, इसलिए उसे चुराने के लिए कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। मगर उसकी कोई भी तरकीब काम नहीं आई। अब कल पैसे जमा कराने का आखिरी दिन है। उसे रात को नींद नहीं आई और वह अपने पापा के कमरे में चुपचाप चला गया। उसने देखा कि चाबी पापा की कमीज में है। उसने बिना आवाज़ किए चाबी निकाली और इतनी आहिस्ता से अलमारी खोली कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। फिर जब उसने ऐसे गिने तो वह 20,000 से कुछ ज़्यादा निकले। उसने सारे पैसे रख लिए और दोबारा चाबी वहीं रख दी। सुबह उसके घर में हंगामा मच गया। उसके पापा ने पूरा घर छान मारा, वह पैसे नहीं मिले। उनकी पत्नी सुमित्रा ने कहा, हरीश आप बेकार में परेशान हो रहे हैं, थोड़ा सब्र रखिए, पैसे यहीं कहीं होंगे। मगर यह लगातार घर की एक एक चीज़ में देखने लगे थे। तभी दिवाकर बाहर से घर आया और बहन उसे देखकर समझ गई कि यह काम उसके भाई का है। उसने अपने पापा को दिवाकर की सारी हरकतों के बारे में बता दिया। वह सुनते ही उसके पापा उसे पीटने लगे। उसकी माँ ने बचाव भी किया मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ और हार कर दिवाकर ने लॉटरी वाली उन्हें बात बता दी। यह सुनकर वह सिर पकड़ कर बैठ गए। वो पैसे ऑफिस के थे, मुझे आज जमा करने थे, यह कहते हुए उन्होंने एक चार्टर और दिवाकर के मुँह पर जड़ दिया। लेकिन वो अपने घर में ऐलान कर देती है, सब सच बता दिया और कहा कि वो चाहे तो उसकी सैलरी से काट ले, बहुत ऐसे भी काटे और कुछ गिला पति पत्नी में होता ही परेशानी का नतीजा यह निकला कि लौटते वक्त हरीश कई दिन गुजर जाते हैं। नंदिनी राज के घर डिवोर्स के कागज भेज देती है। मातम छाया हुआ है, राज को परेशान देख कर और बहन से बात ही नहीं कर रही। दिवाकर की उदासी की वजह पूछती है। राज सीमा को हमारे सीक्रेट के कारण नंदिनी ने डिवोर्स पेपर भेजे हैं। सीमा किसी को क्या पढ़ाना शुरू किया, मेरे कारण हुआ, मैं बहुत बदनसीब हूँ, मुझे मर जाने दिया होता। और फूट फूट कर रोने लगती है। राज उसे गले लगाता है और कहता है, खबरदार अगर मेरी गुड़िया को बदनसीब कहा। सीमा राज को अपनी कसम देकर नंदी से सच बताने के लिए कॉलेज और जाने की जिद करती है। कॉलेज हो गया, बहन भाभी में आ गई, नंदी कैसी हो, नंदी खामोश खड़ी रहती है। सीमा भाभी मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ये सब हुआ, आप मुझे सजा दे दो, पर भाई की जिंदगी में वापस आ जाओ प्लीज। आज नंदी को कहता है, मेरी बात एक बार सुन लो, उसने विश्वास करना या न करना तुम्हारी मर्जी। उसकी आंखें भर आई। तकरीबन 2 महीने पहले जब मैं ऑफिस से घर आ रहा था तो एक लड़की नहर मरसाल के जान देने लगी थी। मैंने पीछे से जाकर उसे डूबने से बचा लिया। माँ बहन जोड़ने पर उसने बताया कि ये सीमा ही देखते दिवाकर एक गरीब घर की लड़की है। उसके पिता की मौत हो चुकी है। इंजीनियर बन गया कि उसके शरीर में लिए अच्छे अच्छे घर से चेंजेस नहीं आ रहे लगे। जब एक दिन लाइट पर सच की वेटिंग के लिए पता चला कि वह एक किन्नर है और समाज उसका साथ नहीं देगा, उसे कोई सनकार नहीं मिलेगा, इसलिए वह अब जीना नहीं चाहती। तब राज उससे वादा करता है कि वह भाई बनकर उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, मगर उसे अच्छा नहीं लगा। ये भी वादा लेता है कि वह जिंदगी में कभी भी सुसाइड करने वाली मिलने सोचेगी भी नहीं। और उसका यह सीक्रेट वह ताम सीक्रेट ही रखेगा। जो यह वह पैसे लेता था उस लड़की के भविष्य के लिए अलग से जमा कर रहा था। जब वह नंदी को समय नहीं काउंसलिंग पर उसका मुस्कुराते हुए बताया कि आज से ठीक 10 साल पहले आज नहीं रात को पता चल
मुकाबले पर आए थे। बहुत वहाँ पर एक लोटा का टिकट छोड़ रहा से कहती है कि मैं उसे वो टिकट दिखाई दी, भरोसा किया होता उसका इंतजार किया, मगर फिर उसने लॉटरी खुद ही रख ली। किस्मत ने साथ दिया, लॉटरी का इनाम मिलते ही उसने वो पैसा अपने बिजनेस में लगाया और आज दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों में उसके होटल हैं। यह सुनकर दिवाकर अपने बीते हुए कल में गोते लगाने लगा कि जिस रात उसके पापा गुजरे थे उस रात वह गुस्से में घर से निकला था। उसे इतना भी होश नहीं था कि वह कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। उसका मन कर रहा था कि मर जाए, मगर अपने परिवार के बारे में सोचकर हताश और निशाद एक ढाबे से बाहर लगी चारपाई पर बैठ गया था। जब घर आकर उसने अपनी जेब देखी तो उसमें लॉटरी नहीं थी। यह स्वयं सोचने लगा कि इसका मतलब है लॉटरी अपने ढाबे पे ही गिर गई थी। अब उसकी नज़र चेक पर गई तो उस पर 76 लाख रुपये लिखे हुए थे। होटल का मालिक फिर बोला, आज मैं जो कुछ भी हूँ लॉटरी की वजह से हूँ, इस चेक को रख लीजिए, मना मत करिए। दिवाकर ने चेक लेते हुए कहा कि मैं आज भी जो कुछ हूँ इस लॉटरी की वजह से हूँ, फ़र्क इतना है कि आपको इस लॉटरी पाकर फ़ायदा हुआ, मुझे खोकर। वहाँ से निकलकर दिवाकर ने अपनी गाड़ी एक संस्था के बाहर रोक ली और अनाथ और गरीब वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास करती है। वह अंदर गया और संस्था के संस्थापक को वह चेक पकड़ा कर मुस्कुराता हुआ बाहर निकल आया। आज उसके मन में वही खुशी है जो उस दिन लॉटरी लगने पर होती।